प्रचंड। जी हाँ, यूपी उत्तराखंड में ठंड का कहर बढ़ने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ने लगी है। यूपी के कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में शीतलहर और कोहरे की संभावना जाहिर की है। इसके चलते मैदानी इलाकों में आने वाले हफ्ते में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। मेरठ सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उत्तर भारत में ठंड का कहर और बढ़ा रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है। एक और जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे और शीतलहर का सितम शुरू हो गया है। उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। मनाली जैसे ऊंचे वाले इलाकों में इन दिनों ऐसी ठंड जिसने पहाड़ों से बहते झरनों को भी जमा दिया है। कश्मीर के कई जिलों में तापमान माइनस से भी नीचे है और अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। राजस्थान में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहां खेतों में भी बर्फ जम गई है। पहाड़ों पर शुरू हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड बढ़ने लगी है। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त अलग अलग जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। मनाली, लेह, श्रीनगर, चार लाहौल स्पीति, चुरू की ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि कैसे यहां पर बर्फ जमी है। और इन पहाड़ी इलाकों में जिस तरह जमकर बर्फबारी हो रही है, उसी का यह असर है कि मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। प्रदेश में सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसका अंदाजा आप अभी तस्वीरों को जब देख रहे थे तो इससे आप लगा पा रहे होंगे। ललितपुर में घर के बाहर रखी गाड़ियों पर बर्फ की परत जमने लगी है, तो वहीं जसपुर में भी पिछले दो दिनों से लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया है, जिसके चलते जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में पारा तेजी से नीचे गिर रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ललितपुर और जसपुर की। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने मौसम खुशनुमा कर दिया है, लेकिन इस बर्फबारी से मैदानी इलाके ठिठुरने लगे हैं। हिमाचल के मनाली और शिमला में देर शाम हुई ताजा बर्फबारी के बाद उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदल रहा है। हालांकि बर्फबारी से शिमला और मनाली गए सैलानियों के लिए मौका किसी त्योहार से कम नहीं था। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां फिलहाल दूर हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर अभी से बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों की बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। चंबा में तो प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना किसी कारण के घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन मनाली में तो बर्फीले तूफान के बीच गाड़ियों की कतार बता रही है कि सैलानी बर्फबारी जैसी मुश्किल के आगे भी रुकना नहीं चाहते। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से मैदानी इलाकों पर इसका असर पड़ने लगा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में धुंध की चादर लोगों के लिए परेशानी बन गई। कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई थी। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि बारिश के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का तापमान तेजी से नीचे आएगा और इसका असर उत्तराखंड के निचले इलाकों पर भी पड़ेगा। मगर मौसम के इस बदलाव की हैरान करने वाली तस्वीरें तो राजस्थान से आ रही हैं। राजस्थान के चुरू में यह सर्दी के इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मौसम विभाग के अनुसार तापमान -2.6 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान माइनस में आने की वजह से पेड़ पौधों पर बर्फ जम गई। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। टेबल कुर्सियों पर भी बर्फ की पतली चादर बिछ गई, जिसे देखकर यहां के सैलानी काफी खुश हुए। राजस्थान के सीकर जिले में आने वाले फतेहपुर का तापमान माइनस तक पहुंच गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी सर्दी का सितम महसूस होने लगा है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। सर्दी के चलते घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है।
मौसम की करवट ने पहाड़ों की सुंदरता को भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन मैदानी इलाकों के लिए तो ये बदलाव मुसीबत बन रहा है। दिल्ली में आज मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। राजधानी में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले दो दिन के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक से दो दिन में उत्तर भारत में ठंड और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ अलग अलग सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मयंक इस वक्त हमारे साथ है, विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही इस वक्त हमारे साथ जब्बार खान भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम मयंक का रुख करना चाहेंगे। मयंक, क्योंकि लगातार पहाड़ी इलाकों में ठंड हो रही है, अभी क्या हाल है वहां पर? देखिए, कड़ाके की ठंड है इस समय और आपसे बात करते समय भी जो ठंड महसूस हो रही है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत जबरदस्त ठंड है। अगर हम पहाड़ी जिलों की बात करें तो जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं जिसमें मुनस्यारी आता है, वहाँ पे जो पानी है, खासतौर पे जो पेयजल है, वो बर्फ में तब्दील हो चुका है। वहाँ लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। -4 तक टेम्परेचर जा चुका है। राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो यहाँ भी तापमान जो न्यूनतम आया है वो 3 डिग्री के आसपास है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो ठंड का असर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया है, खास तौर पे अगर हम मैदानी जिलों की बात करें, जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, यहाँ पे हमें शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जबरदस्त ठंड है, जगह जगह अलाव जला के कोशिश की जा रही है ठंड को दूर करने की, लेकिन पहाड़ी जिलों में स्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण है। वहाँ बर्फबारी जो हुई है उसके बाद ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी है। हालांकि जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए ये मौसम कहा जा सकता है मुफीद है, क्योंकि न्यू ईयर का जश्न भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बर्फबारी हो रही है लगातार पहाड़ी इलाकों में, कहीं ना कहीं विशाल इसका असर मैदान इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल, जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का आलम है, चूंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है जिसका असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में पड़ता है। और हम राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों की बात करें, ललितपुर में तो आलम यह है कि गाड़ियों पर जो बर्फ की चादर है वो दिखाई पड़ी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, तमाम जगहों पर शीतलहरी चल रही है जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और पिछले दो दिनों से लगातार जो गलन है वो बढ़ गई है जिसकी वजह से अच्छी खासी परेशानी हो रही है। इसके साथ साथ क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी तक ये आलम था कि 7 बजे के आसपास जब लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तो तमाम जगहों पर लोग दिखाई पड़ते थे पार्क में, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो पार्क हैं वो भी अब फिलहाल जो है सूने होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। और खासतौर से अलर्ट भी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। डॉक्टर्स ने भी, ये एक्सपर्ट जो है उन्होंने भी कहा है कि ठंड थोड़ा सा बढ़ रही है, ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उनको विशेष ध्यान रखना है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तमाम जगहों पर चूंकि मौसम विभाग के अलर्ट जारी किया गया है तो डॉक्टर्स भी इस बात को लेकर साफ तौर पर निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो पार्क हैं, जो लोग सवेरे मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं उनको थोड़ा सा, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनको थोड़ा सा इस वक्त प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और अभी भी आलम यह है कि लगातार पारा जो है वो नीचे गिरता जा रहा है और राजधानी लखनऊ में ये गिरावट पिछले 3 दिन से लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और आने वाले दिनों में अभी राहत नहीं नजर आती है। जब्बार, आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि हम बात करें अगर दिल्ली में भी तो लगातार ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आने वाले दिनों में अभी चूंकि बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है पहाड़ी इलाकों में तो राहत नजर नहीं आती है। बिल्कुल, देखिए, मेरी जो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि अभी दिल्ली के इलाके में, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाके में अभी जो मौसम इस वक्त है ठिठुरन का, ये अगले कुछ दिनों तक रहेगा और इसीलिए एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली के इलाके में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कल रविवार का दिन बेहद सर्द रहा, 4.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। और अगर दिल्ली के कुछ दूसरे इलाकों का मैं जिक्र करूं, जैसे कि एयरपोर्ट का इलाका है या फिर सफदरजंग का इलाका या फिर लोधी रोड का इलाका, वहां तो टेम्परेचर और ज्यादा नीचे गिरा। दरअसल जैसा कि आप भी और हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जो बर्फबारी लगातार हो रही है पहाड़ी इलाकों में, जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसकी वजह से जो सर्द हवाएं हैं वो सीधे सीधे दिल्ली के इलाके को, लेकिन दिल्ली के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसका खतरनाक तरीके से असर देखने को मिल रहा है। वहां के दोनों इलाकों में -0 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली में आज की अगर मैं बात करूं
तो करीब करीब 4 डिग्री के आसपास में या 4 से लेकर के 4.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। लेकिन चूंकि दो ज्यादा मुश्किलें हैं दिल्ली वासियों के लिए, एक ये कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और दूसरे ऐसे में ठिठुरन और सर्दी की वजह से दिल्ली वासियों के लिए येलो अलर्ट जारी किया बहुत जरूरी है कि बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखा जाए, बुजुर्गों का ऐसे में ख्याल रखा जाए, क्योंकि अभी राहत की उम्मीद तो बिल्कुल नजर नहीं आती, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जब्बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मयंक आप हमारे साथ बने रहिए, मैं